धार जिले के बाग में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त पत्रकार वार्ता नायब तहसीलदार शिवशंकर जरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बीएम और डॉक्टर आर के सिंधे द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस का पीक समय चल रहा है, जिससे कोरोना पॉजिटिव शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकल रहे हैं, जिससे कि गाँव में कई प्रकार की अफवाहें फैल रही है। जबकि कोरोना वायरस सामान्य बीमारी है जो अधिकांश व्यक्ति की लापरवाही से होती है, जिससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को कोरोना होता भी है तो वायरस सामान्य सी सावधानी रखने से ठीक हो जाता है। अब किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को धार या कुक्षी नहीं भेजा जाएगा, उसे बाग स्थित किले के पास कोविड केयर सेंटर में ही इलाज किया जाएगा। बाग से संजय देपाले की रिपोर्ट। ये माननीय प्रेसिडेंट महोदय के निर्देशन पर स्वास्थ्य आज की आयोजित किया है। द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके कुछ मुख्यमंत्री में बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अब कोई पॉजिटिव केस निकलता है, उस पॉजिटिव केस को हम कुछ ही आधार नहीं भेजते हो बाद में ही सीसीसी केंद्र बनाया गया है, उसको हम बाद में ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। 14 दिन के लिए उसको बाल के रखेंगे, तो उसी नहीं भेजेंगे तो आगे भेजेंगे। हाँ, ये भी कोई ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक है जिससे सांस लेना बहुत नॉर्मली चालू किए हुए, तो जीरो डे सैंपलिंग में क्या होता है, किसी का सैंपल और नहीं पता होता कौन पॉजिटिव कौन। सैंपलिंग लेने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है 3 to 4 days, अगर उसमें से कोई एक पॉजिटिव निकल गया, पॉजिटिव निकलता है तो दे आर कॉन्टैक्ट में ही रहते हैं 3 से 4 दिन। जब वो 3 से 4 दिन कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो अफेक्टेड हो सकते हैं, वो अगर अफेक्टेड हो जाएंगे इसके कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर हम जैसे पेपर से हाथ हैंडशेक करने से इन सब चीज़ों से अगर अफेक्टेड हो रहे हैं तो 4 दिन साथ में रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो ब्रह्मवासियों को जो रखा गया जो 16 लोगों को बताया बात आ रही बार बार, उसका सिर्फ यही कारण है कि हमने पहले दिन उनका सैंपल किया, सभी लोगों का सैंपल तो उसमें से 3 लोग पॉजिटिव आ गए और बाकी लोग निगेटिव आ गए। इसलिए उनके लिए वो दूध बेचते हैं, मेरे अपने कस्टमर था इसलिए और ज़्यादा एहतियात करते हैं कि इसके लिए हम लोग उनके लिए कुछ दिन जैसे ब्रेक रखेंगे, और अगर इस दौरान उनके लिए वो रहता है उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो इनके लिए अपन होम आइसोलेशन करते हैं। पर आज भी जो अभी नया प्रोटोकॉल आया है, नई बात आई है कि इनके लिए सबके लिए होम क्वारंटाइन करेंगे, क्योंकि इनका आज सैंपल ले रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।